अब तुम्हारे हाथ में है, शादी करो तो बचा लो, नहीं करोगी तो मर जाएंगी। अब इन्हें जिंदा रखना है कि मुर्दा रखना है, ये तुम्हारे हाथ में है, समझ रही हो ना तुम काव्या? हाँ, अगर तुमने मुझसे शादी कर ली ना तो आई प्रॉमिस यू मैं मरने नहीं दूंगा इसको, निकाल लूंगा बाहर, थोड़ा सा तड़पाऊंगा लेकिन मरने नहीं दूंगा मैं इसको। अब तुम डिसाइड कर लो। क्यों भाई, फेयर डील है ना? फेयर डील है। अरे तभी तो देखो ना, इतनी देर से गोली नहीं है, तुम्हें क्या लगता है ये राइफल इतनी देर तक चुप बैठेगी क्या? ये चलती नहीं अब तक। नाउ यू डिसाइड क्या करना है। मेरा कुछ नहीं है, योर कॉल। कुछ भी नहीं है, शादी कर लो ना, मैं तब से तुमसे कह रहा हूँ कर लो। इनकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया है, अब जो करना है वो तुमको करना है, अब इनको जीना है मरना है वो तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। प्लीज, हाँ प्लीज। काव्या, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काव्या, मुझे तुझ पर बहुत नाज है, तूने बहुत बहादुरी दिखाई। I'm so proud of you. काव्या, बोलो काव्या, बोलो, माँ की बात सुननी है, जाना है, चली जाओ, भाग जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ। पर मेरी एक बात ना ध्यान से सुन लो, अगर तुम यहां से गई ना तो इसे मैं जमा के मार दूंगा, समझी? हाइपरथर्मिया, नाम सुना है? पता है क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं क्या होता है ना, कि नॉर्मली इंसान की बॉडी ना एक लेवल तक ठंड बर्दाश्त कर लेती है, पर अगर वही बॉडी बर्फ के अंदर होती है ना तो बहुत जल्दी गिव अप कर देती है, ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाती है। तुमने तो सुना होगा ना कि बहुत देर तक बर्फ के ऊपर चलने की वजह से पैर का अंगूठा काटना पड़ा, जबकि उसने शूज भी पहन रखे थे। ये कमबख्त हाइपरथर्मिया है ही ऐसी चीज, आ ही जाता है नालायक। तो सोच तेरी माँ के साथ क्या करूंगा।